जय हिंद सभी साथियों को। क्यूक आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये प्रैक्टिस सेट 10 है, 9 तक हो चुका था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए यहाँ हिंदी एवं अंग्रेजी से लिया गया क्वेश्चन है, तो पहला जो पोर्शन है इसमें लिया गया है हिंदी एवं अंग्रेजी से। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है। चार ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें आंसर कीजिए कि कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, वीडियो को देखिए लास्ट तक देखिएगा, इससे क्या फ़ायदा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसा टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए सेकेंड में है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ठीक है, आपको सोचने के लिए समय देंगे, आप वहाँ से आंसर कीजिए, कुछ समय देंगे आप सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। तो वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट है, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा। संघर्ष करना, इसका आंसर क्या होगा, संघर्ष करना, कि आप लोहे की चना चबा रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा कि उ होगा और आधा ज है, और फिर आधा ज होगा उसके बाद वल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हाफ जो है सो छूट गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शब्द का समास है। निम्नलिखित में किस शब्द का समास है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। राजा रानी भी समास ही हैं, राजाध्यक्ष यानी राज्य का अध्यक्ष, और यथाजोड़ शक्ति हो जाता है, यानी इसमें सभी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं इंग्लिश पोर्शन में, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एग्नोस्टिस्ट। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, टाइम आपको देंगे, आप सोचिए उसके बाद इसका आंसर कीजिए। तो देखिए एग्नोस्टिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोधी होता है। एग्नोस्टिस्ट का मतलब आपका विरोधी होता है, तो इसी का सिमिलर यानी समान चुनना है, तो अपोनेंट हो जाएगा। क्या होगा, अपोनेंट मीन्स भी आपका विरोधी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन। अब देखिए इसमें उल्टा शब्द चुनना है, तो इनसेल, इनसेल मीन्स क्या होगा, तो इनसेल मीन्स होता है पागल। ठीक है, इनसेल मीन्स क्या होगा, इनसेल मीन्स पागल होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेन, सेन मीन्स होता है समझदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नोन इज, इसका मतलब क्या होगा। दैट इज देखिए वन वर्ड है, कि दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नोन, तो एडिबल हो जाएगा। ठीक है, एडिबल मीन्स क्या होगा, तो एडिबल मीन्स होता है आहार, एडिबल मीन्स आहार होता है। ठीक है, आहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विच इज द विच ऑफ द फॉलोविंग्स इन सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। तो इन नेम ओनली का मतलब क्या होगा, तो नॉमिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट अपॉन अपॉन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इंडिपेंडेंस हैज अबाउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेड लॉज इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ। तो इसमें जो राइट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। लिख लीजिए क्या होगा, लीगलाइजिंग। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग एज अ फ्रेज इन रोलिंग आउट। तो इन रोलिंग आउट का क्या हो जाएगा, मॉडिफाइंग हो जाएगा, इसका जो इन रोलिंग आउट का सिमिलर होता है मॉडिफाइंग। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द
फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज एरर, इसमें कौन सा एरर है इसको आपको चुनना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका एरर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डी में आपका एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अब सामाजिक अध्ययन यानी जीके पोर्शन में आते हैं। तो देखिए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम अनुसार निर्दिष्ट करें। इसमें देखिए है कि सबसे पहले फाहियान आया था, ठीक है, उसके बाद हैंसोंग आया था, उसके बाद थॉमस रॉ आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन सा महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था? क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम आपको आंसर इससे ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? देखिए आर्यभट्ट है, बाणभट्ट, धन्वंतरी, बेताल, बातिया। तो आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान ने यहाँ किया था। अब देखिए देख लीजिए सिकंदर किसका पुत्र था? तो फिलिप का पुत्र था सिकंदर। चलिए नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी में द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तत्पर 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त किए गए अथर्वबोध के समान है। इसका बीच में जो खाली स्थान दिया गया है इसमें क्या भराएगा? तो इसमें हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी, यानी 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बरनी द्वारा जो किए गए शब्द का प्रयोग का तत्पर 16वीं शताब्दी के बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था, यानी दोनों का बात समान था, इसका 13वीं शताब्दी में और उसका बाबर का 16वीं शताब्दी में, ऐसे समझिए आप। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? रजिया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अच्छा, और रजिया कौन थी? तो रजिया गुलाम वंश के जो शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी, गुलाम वंश के जो शासक था इल्तुतमिश उसकी पुत्री थी रजिया। रजिया ने 1236 से 1239 ईस्वी तक राज्य किया था। चलिए नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1320 ईस्वी में। अब देख लीजिए, देखिए जो गयाउद्दीन जो तुगलक था, तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की राजवंश की स्थापना किया था, ठीक है। उसने दिल्ली के निकट जो तुगलकाबाद आज शहर देख रहे हैं आप, उसी का निर्माण यही किया था। जो तुगलकाबाद का शहर जो अभी है दिल्ली में, उसका निर्माण कौन किया था? तो गयाउद्दीन तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट है कि मुगलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के थे। कहाँ से साथियों? मध्य एशिया के। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। कौन बनाया था? अकबर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कला को केलियोग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को आपका केलियोग्राफी करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में। कहाँ स्थित है? तंजावुर में। अच्छा पूछ दिया जाए कि तंजावुर किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में आपका पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खाली स्थान दिया गया है, मैं महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छेड़ा गया था? यानी इसमें पूछ रहा है आपका कि दांडी मार्च अभियान था कब हुआ था? तो देख लीजिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। चलिए नेक्स्ट है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। देखिए साथियों, अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद कौन सा आप आंसर कीजिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं, तो आप मिलाइए कि आपका कितना राइट आंसर हुआ। उसके बाद आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसका कितना आंसर आप कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया के थोड़ा मतलब द्वारा जुड़ना चाहते हैं, देख लीजिए यहाँ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितना भी आपका ग्रुप है सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या करना चाहे, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ सब सारा लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, फेसबुक का भी लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, यानी जितना भी आपका सोशल मीडिया है आप वहाँ से जुड़ सकते हैं।
और देखिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, क्योंकि इसका जो भी पीडीएफ होता है हम टेलीग्राम पर डालते हैं, ठीक है। तो सारा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से सोशल मीडिया के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी। तो कौन किए थे, तो लॉर्ड विलियम बंटिंक ने, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लीजिए कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने ही इसको 1829 ईस्वी में, ठीक है याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो ये हटाया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी। तो अब्राहम लिंकन, कौन दिए थे, अब्राहम लिंकन ने। चलिए नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारण न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो 21 वर्ष होगी, जब आप 21 वर्ष के हो जाएंगे न्यूनतम आयु, तब आप पंचायत के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार पंचायत राज की स्थापना की सिफारिश की थी। तो 3 स्तरीय के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन में मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की थी। तो किसमें संविधान संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए दो ऑप्शन इसमें दिया गया है, दो और दिखाते हैं उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका देखिए आंसर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ हो जाएगा। आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है इसको आप में ध्यान रखिए। तो जो है समान स्तर या उच्च स्तरीय के अन्य किसी न्यायालय में वो ये कर सकते हैं। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, यानी उसका उनका जो कार्यकाल है ख़त्म हो जाता है, तो वकालत आप कर सकते हैं उसी न्यायालय में कर सकते हैं, नहीं तो उससे उच्च न्यायालय में आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवारत हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो 65 वर्ष में उनका कार्यकाल बंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है। तो कौन है, तो राफेल नडाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हमारे सौरमंडल एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। देखिए तो प्लूटो जो है सब ये हमारे ग्रह के रूप में गणना नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयतनांत किस दिन होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 22 दिसंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्रमा है। पृथ्वी का जो उपग्रह है सो एक चंद्रमा ही है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम कल आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे, तो तब तक आप इसको इतना देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। तो किस किस राज्य से होकर गुजरेगी, तो आपका दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ये सब में आपका दिल्ली से हावड़ा चलने के लिए राजधानी एक्सप्रेस जो है सो गुजरती है, दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल। देखिए साथियों आपको 45 क्वेश्चन करा दिया गया है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम तुरंत कल आपको इसको बताएंगे समझाएंगे, तब तक आप इसे अच्छी तरह से देखें और दोस्तों को इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इससे आप ही को फ़ायदा है, जब भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो साथियों जय हिंद, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया जो भी है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप, तो सारा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों
क्विक आईक्यू स्टडी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आते रहे। जय हिंद, जय भारत।